नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे बिहार में भी एक ऐसी जगह है जहां आपकी मनोकामना पूरी होगी, और ये है नालंदा जिला, हमारे राजगीर। आपको हैरानी होगी ये जान, जहां पचमा पहाड़ के नाम से जाना जाता है। पचमा पहाड़ का तीर्थ यात्रा ऐसा है कि 600 सीढ़ियां चढ़ के जो भी आप मन्नत मांगेंगे वो पूरा हो सकता है। लोगों को मानना है कि ये बहुत पुरानी मंदिर है पांचवा पहाड़ के ऊपर चोटी पे। यहाँ पांचवा पहाड़ के तीर्थ यात्रा के लिए दूर दूर से लोग आते हैं मन्नत मांगने। जो बूढ़ा बुजुर्ग चढ़ नहीं पाते 600 सीढ़ियाँ, उन्हें कंधे पर लेकर जाया जाता है। 600 सीढ़ियाँ चढ़ाने वाले लोग को देखेंगे आप तो हैरान हो जाएंगे। जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनका भी मनोकामना पूरा हो जाएगा, ये मेरा वादा है। और ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो लोग नहा रहे हैं, यहाँ पर जो गर्म पानी निकलता है, यहाँ पे देशों और विदेशों के लोग भी आते हैं नहाने के लिए। यहाँ का जो पानी है, यहाँ पर सभी लोग आते हैं आनंद लेने के लिए, खास करके ठंड में देश और विदेश के लोगों भी आते हैं। तो आइए अब चलते हैं अपने पचमा पहाड़ की चोटी के ऊपर सीढ़ियों की तरफ से, देखते हैं कि कितनी ऊँचाई पर माता रानी। तो आप देख सकते हैं कि पहाड़ी के ऊपर कितने लोग ठंड हवा की मजा ले रहे हैं। आइए अब चलते हैं पांचवा पहाड़ की चोटी पर 600 सीढ़ियां चढ़ते हुए। तो आप देख सकते हैं कि इस पहाड़ के ऊपर सीढ़ी से आते हुए और जाते हुए कितने भीड़ दिख रहे हैं, कितने लोग यहां पे मन्नत मांगने आते हैं और कितने सेल्फी और वीडियो लेते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप, यहाँ पर घूमने के भी बहुत अच्छी जगह है, खूब बहुत खूबसूरत से ऊपर नज़ारे आते होंगे, देख सकते हैं आपकी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा चारों तरफ अगर देखेंगे तो पहाड़ी ही पहाड़ी है। ऊपर पांचवा पहाड़ की चोटी पे अभी ले जाना बाकी। आप देख सकते हैं कि पांचवा पहाड़ चढ़ने के लिए 600 सीढ़ियाँ अभी बाकी है। ये तो मैंने 100 सीढ़ियाँ ही चढ़ी है, अभी 600 पूरा का पूरा बाकी। पांचवा पहाड़ की जन्नत यहाँ पे बहुत देखकर खुशी होगी आपको। यहाँ पर देखने के बाद चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, और पांचवा पहाड़ जाने के लिए रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ और मैं ऊपर लेकर जाता हूँ। पांचवा पहाड़ पे जाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने दोस्तों में। और जो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उनकी भी मनोकामना पूरी होगी। तो आइए चलते हैं पांचवा पहाड़ के ऊपर माता रानी की मंदिर दर्शन करने। यहाँ से देख सकते हैं कि नज़ारा कितनी अच्छी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको देखकर हो जाएगी हैरानी। इन चार लोगों ने 600 सीढ़ियाँ चढ़ने की दावा रखती है, और ऐसे ऐसे लोगों को, हजार लोगों को 600 सीढ़ियाँ चढ़ाती है माता रानी की कृपा से। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, जो कि देख सकते हैं आपकी दादा और दादी ने 600 सीढ़ियाँ चढ़ के मन्नत मांगने जा रही है। और जो ऊपर का नज़ारा दिखेगा आपको हो जाएगी हैरानी। पांचवा पहाड़ पे चढ़ने के बाद माता रानी के मंदिर के बगल में एक ऐसी अनोखी चीज़ दिखेगी, ग्लास ब्रिज, जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनवाए हैं ग्लास ब्रिज। तो आप कमेंट करके बताएं कि ग्लास ब्रिज आप घूमने गए हैं या नहीं राजगीर नालंदा।